नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। मैं जुलाना के बुड्ढाखेड़ा लाठर गांव में हूं और यहां एक सामाजिक सरोकार संस्था है, उसके द्वारा एक प्रोग्राम किया गया। पहले मैं आपको दिखाऊं किस प्रकार से गांव वाले जो लोग हैं सभी एक ही तरफ जा रहे हैं। असल में आज एक प्रोग्राम है सामाजिक संस्था का। किसी भी संस्था के लिए इस प्रकार से आपको गाँव वालों का आना जाना नहीं कभी दिखाई दिया होगा। गाँव के कुछ लोग हैं, आप इसी गाँव से ही हो? हाँ जी। ये सामाजिक सरोकार संस्था जो है क्या कुछ काम करती है? ये जो दानी छोरा है जी, जो कुछ है गरीबों के लिए, लड़कियों के लिए, कोई अंदाजा है नहीं इसका कि दे दे के कर ले। हर महीने के लिए लड़कियां ने 100 रुपये महीना अच्छा पड़ दे, बहुत बढ़िया। इसके तो बेचारे अलग है। अच्छा। हाँ जी, इसे तो एक आधा भाग वाला असल तो सही नहीं दुनिया में, सीधी बात यह मानो बिना लोभ लालच। हाँ जी, लोभ लालच क्या है जी, इसे दिशे इंसान तो एक आधी जम है जी। एक मिनट रुको गुड़िया, आप क्या करने जा रहे हैं? प्राइज लेने जा रहे हैं। प्राइज लेने जा रहे हो? स्माइल देखो छोरी की, किस बात का प्राइज दे रहे हैं आपको? 10th के जो मार्क्स आए थे उनके बेस के ऊपर। अच्छा, मतलब 10वीं में अच्छे नंबर आए तो उसके हिसाब से इनाम दे। हां, 85%। अच्छा, और भी बच्चों को बुलाया इसी पर? हां। कितने बच्चों को बुलाया? 300 बच्चों। बहुत सारे बच्चों को बुलाया जिनके 75 से अब आए हैं, CBSE के और HBSE के दोनों को। फिर ये तो खुशी होती होगी, एक ही बार इनाम देते हैं इस प्रकार से बुला के साल में, अब क्या करते हैं? इस चीज का तो पता नहीं क्योंकि हम तो पहली बार आई हूँ मैं तो यहाँ पे। ये तो अच्छी प्रथा है, अभी बच्चे इनाम ले तो गांव के लोग सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, गांव के लोग सम्मानित करते हैं जी, गांव के लोग सम्मानित करते हैं। आप के कहोगे इसमें क्या कह रहे थे? क्या जी, ये तो हर एक बढ़िया। आप भी स्कूल में ही जा रहे हैं, वहीं पे किस लिए जा रहे हैं आप? प्रोग्राम देखने या क्या करने के लिए? देखने। अच्छा जी सर। अच्छा, कुछ बच्चों को भी सम्मानित कर रहे हैं? हाँ जी सर, कर रहे हैं। हाँ। जिनके 75% से ज्यादा नंबर आए रहता है सभी के मन में भी हाँ हमारे भी आने चाहिए जी। बिल्कुल, ये अच्छा कंपटीशन का तरीका है। हाँ, इससे बच्चे मतलब मोटिवेट होते हैं कि वो आगे मतलब अच्छे मार्क्स लेके आए। आप भी वहीं जा रहे हो? हाँ जी। ये जिस प्रकार से इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू करे हैं SSP वालों ने, ठीक है इस तरह के? हाँ जी। हाँ जी। आप प्रोग्राम देखने जा रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। क्या बताया गया, क्या सुना इनके बारे में, क्या करते हैं? बस गांव के नो है, उन्नति खातर प्रगति खातर वैसे ही कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ तो पूरे बच्चा हौसला बढ़ेगा भाई, आगे और ज्यादा नंबर लेवाएंगे और ज्यादा वो करेंगे, प्रोग्रेस ज्यादा होगी। हाँ, की हम बात करें तो भाई ये तो एक बड़ी बात है, आप लोगों ने इसके ऊपर भी लिखवा रखा है, स्कूटी के ऊपर लगा रखा है, घर पे लगा रखे जी, घर पे भी, घर पे लगा रखे है दरवाजा। तो राजनीतिक झंडे लगावे तो हम ये तो सामाजिक सेवा है जी, इसमें तो समाज सेवा है जी। कैसे क्या काम करते हैं? मतलब पब्लिक की सहायता करते हैं जी हम। हाँ। बिल्कुल गरीब आदमी की और कोई लंगड़ा लुला जो भी कुछ है सबकी सहायता करते हैं जी। मतलब आप भी शामिल हो उसमें? हाँ, हम भी शामिल हैं उसमें। कैसे क्या शामिल करके? गांव के सारे लोग शामिल है? नहीं, सिर्फ गांव के नहीं, बाहर के भी शामिल इसमें ज्यादातर। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे जिले के तकरीबन शामिल है इसमें। अच्छा। हाँ जी, तो सारे मिलके ही काम करते हैं? मिलके ही काम करते हैं जी। जैसे लाइब्रेरी का भी मैंने सुना, लाइब्रेरी का भी सभी जो ना काम करते हैं मिलके जी। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने एक मोटरसाइकिल पे और इसी प्रकार से SSP लिखा देखा था। तकरीबन जिसका भी व्हीकल है ना घर पर, सब ने लगवा रखा है, सब लगा रहे हैं अपने आप जी। अच्छा। हाँ जी, ये तो बड़ी बात है, भगत तो पार्टियां ही क्यों करते ज्यादा? नहीं जी, पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं हमारा जी। हाँ। हम तो सामाजिक सेवा करते हैं जी। अच्छा। हाँ, समाज की सेवा, कोई भी गरीब आदमी है या लंगड़ा लूला है, अंधा है, जो भी कुछ, हम सब की मतलब दोनों हेल्प करते हैं। किस प्रकार के लोगों को शामिल करके आए इसमें? मतलब कोई भी रिटायर्ड है या गांव के सारे लोग? मतलब सभी साहब, रिटायर्ड सभी शामिल है जी, घर के लिए शामिल, जनानी भी शामिल है जी। अच्छा। हाँ, जनानी भी शामिल है जी। फायदा क्या होया वैसे बच्चों के लिए? और बच्चों के लिए जो अच्छा पढ़े, बच्चे अच्छे पढ़े लिखते हैं, मतलब जो ना हेल्प करते हैं बच्चों, जो अच्छा पढ़ता है उसको इनाम भी देते हैं हम, मतलब हर चीज की सेवा करते हैं जी हम। अच्छा, तो इसीलिए फिर पूरा गांव उठ का आ गया? पूरा गांव जी, मतलब एरिया तकरीबन आ गया जी उठ के जी। अच्छा, सारे यहां सब यहां लग रहे हैं? हां जी, सब यहां। क्या नाम है आपका? महा सिंह जी। महा सिंह बता रहे थे कि किस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं। हां जी, जाए आप भी, क्या प्रोग्राम था? ठीक ठाक था जी।
ठीक था। हाँ जी, एसएसपी किस प्रकार से काम करती है और क्या काम करती है इसको बताने के लिए आ रही है मेरे साथ, कैसे क्या कुछ काम करती है। अच्छा, आपने भी इस पे भी लगवा रखा, ये मोर बढ़िया है, किसी के दिल पे मोर है, बाइक पे मोर है, स्कूटी पे मोर है। बिल्कुल जी, ये सामाजिक सरोकार परिवार है। पहले तो मैं आपको बता दूं, सामाजिक सरोकार परिवार का एक ही उद्देश्य है, समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना, और हमारे जो दबे कुचले लोग गांव में जो बच्चे हैं उनको प्रतिभा को उभारना, जैसे हमारे इस परिवार ने, पूरे इलाके के सदस्य हैं इसमें, इस परिवार ने 47 लाइब्रेरियाँ बनाई हैं, खोली हैं गांव गांव में, और इनका मकसद ये एक है, अगर जो बच्चे 10वीं में और प्लस टू में जो 75 से ऊपर लेता है नंबर, तो उनको जितने भी हैं यहाँ पर जींद ब्लॉक और जुलाना ब्लॉक, उनको हर एक बच्चे को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उनको सम्मानित करेंगे। पिछली बार छोटी छोटी प्लेटें दी थी, अब की बार भी हमारी जो सामाजिक सरोकार परिवार है अच्छा बच्चों को इनाम देगी, और जो बच्चा कलाकार है उसको भी प्रतिभा इसमें निखारते हैं। ये बड़ा एक अच्छा है लोगों को जोड़ने का भी और बच्चों की भलाई का भी। हाँ देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, जो समाज का जो अच्छा काम करेगा। हाँ। अब जैसे इन्होंने एक नारा दिया है, हाँ। पढ़ाई, हाँ। कमाई और दुआई का, हाँ। ये नारा दिया है, हाँ। क्यों, ये जरूरत है आज, बिल्कुल जरूरत है इस चीज़ की। तो इसको लेकर के हमारा सामाजिक सरोकार परिवार ने एक और फैसला लिया है, जो भी शराब के ठेके गांव के अंदर हैं वो बाहर करने का अब अभियान चालू करेंगे, अब घोषणा और दी होगी है आज। हाँ जी, आज जो जितने भी है मिलाकर के समाज सुधारण का काम। हाँ बिल्कुल, समाज गैर राजनीतिक संगठन है ये, इसमें राजनीतिक का कोई वो नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है, बिल्कुल अच्छे अच्छे सामाजिक लोग इसके अंदर है। आपने देखा कितनी महिलाओं का ताता लगा हुआ है, कितने लोग और SSP लिखाए हुए हैं, बच्चे भी आए हैं शायद, इन बच्चों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया, उनसे भी हम बातचीत की कोशिश करेंगे। क्या गुड़ियो, आपको भी बुलाया गया है यहाँ पे, किस लिए बुलाया आपको? अच्छा, दोनों के हाथ में लेटर है। हाँ जी। अच्छा, क्यों बुलाया गया आप लोगों को? जिन बच्चे सम्मानित करने के लिए। अच्छा, हाँ जी। आपको भी सम्मानित कर रहे हैं? हाँ जी। आपको भी? यस सर। खुशी सी तो होती होगी कोई ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पहले भी कभी किसी संस्था ने ऐसे आप लोगों? फर्स्ट टाइम, बहुत खुशी हो रही है। क्या कितने मार्क्स आप लोगों के आए? मेरे 78% है। और आपके? मेरे भी 78 है। कौन सी क्लास में थे? 10th में। मेरे प्लस टू में। प्लस टू के? हाँ जी। तो किस किस क्लास को शामिल कराए इन लोगों ने? 10th और प्लस टू को। हाँ जी, सबको। हाँ जी सर। कितने के बच्चे आपकी क्लास के? हमारे बहुत हैं, 20 या 30 जने तो हैं। अब तो कंपटीशन शुरू हो गया होगा। हाँ जी सर। चलो भाई ठीक है, ये बच्चे खुश हैं भाई, देखो खुशी तो होती है जब कोई नाम की बात आती है, तो ऐसे ही ये बच्चे भी खुशी जाहिर कर रहे हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। कौन से गांव से आए हो? यहीं से। ये कैसे क्या काम करती है संस्था गांव में? कौन मेरा? आपको पता है कैसे क्या करते हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं जी। कैसे करते हैं, क्या किस तरीके से करते हैं? ये प्रोग्राम खान पीन का करते हैं 6 महीने में, साल भर में। अरे जो बच्चे हैं उन्हें सम्मानित करें बढ़िया, जो 75-80% नंबर जिस बच्चे का आवे हैं उनको सम्मानित करते हैं। लाइब्रेरी खोल रखी जी, 8-10 गांव माड़ है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर तो बड़का पढ़ने का ठीक ठाक सा जो पढ़ने का बहुत बढ़िया जी है? बहुत बढ़िया। सरकार वाले काम ही नहीं शुरू कर दिए करे के भी सरकार वाला तो सरकार जाने, बाकी यो भी तो बढ़िया कर रहा है। काम तो कर रही है। मैंने एक चीज और लागी सा लागे, जिस तरह सारा का सारा काम गिल्ले मिलकर काम कर रहे हो। गांव का सहयोग तो है जी इसमें, गांव के सहयोग बिना तो बने नहीं बात है। सारे मिलकर करें जी बट दे। कुछ और बच्चे इनसे पूछे, आपको भी सम्मानित कर रहे हैं गुड़िया आज है? किस लिए सम्मानित कर रहे हैं आप लोगों को? मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं इसलिए भी कर रहे हैं। कौन से गाँव से आए हो? सिर्फ जुलाना से। जुलाना से आए हो? हाँ जी। तो सारे से ही बुला रखे, ये नहीं है अकेले बुढ़ा गेड़ा लाठर के बच्चे? हाँ सर, आस पास के गांव से बुला रखे हैं। आपके यहाँ से कितने बच्चे आए हैं? सर 20। अच्छा 20 आए हैं। आपको भी सम्मानित कर रहे हैं? हाँ जी, हमें भी सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या पहले चिट्ठी विट्ठी दे दी थी सबको? हाँ, पहुँचा दिएगा, कार्ड पहुँचा दिएगा। बच्चों के साथ आए हो तो बच्चों को इस प्रकार से बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, घर में खुशी तो हो रही होगी। हाँ जी। हाँ जी, क्या कहोगे इस पे? थैंक यू जो
बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ बता बता दे। चलो भाई देखो सब अपने हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा। हाँ अभी बच्चे पढ़ लेंगे इस बार में और बच्चों का कंपटीशन होगा है। हाँ तो भैया हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, बच्चों से बात की। देखिए अगर कोई संस्था इस प्रकार के कार्यक्रम करती है, बच्चों को ऐसे सम्मानित करती है, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। आप लोग इस SSP को लेकर के क्या सोचते हैं, सामाजिक सरोकार संस्था के जिस प्रकार के काम, इन कामों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।